हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बेंडिंग मशीन से अपन पेज के बेंडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस बुक के बेंडिंग करना आपको बताऊंगा कि इसके बेंडिंग कैसे करते हैं, इसको ये खुले पेज इसको बुक टाइप में कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास ये पेज है, इसको मैं आज आपको बेंडिंग करना बताता हूँ। जैसे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये अपना ये वाला ये चीज़ है, ये एडजस्टर है। एडजस्टर इसको इस तरफ से एडजस्ट करोगी अपना पेज एकदम में छेद निकलेंगे इसमें से। देखो, बेंडिंग करेंगे तब एकदम एडजस्ट हो गया। मेरा पहले से ही एडजस्ट है, मेरे पहले से ही ये एडजस्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ अब फिर। तो ये यहाँ पे लगा, एकदम व्यवस्थित लगाओ जिससे अपना एकदम सही छेद नहीं दे। जैसे देखो दोस्तों, ये छेद और ये छेद एकदम बराबर आ रहा है। तो आप इसको पहले कोई रफ पेज पे एक पेज के छेद निकाल के देख लो कि ये एडजस्ट है क्या, फिर इसके बाद ही आप बेंडिंग स्टार्ट करें। मेरा पहले से एडजस्ट था इसलिए मैंने आपको वैसे रफ पेपर पे निकाल के नहीं बताया, मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, बेंडिंग करके इसको इस तरफ रखो जिससे इसमें मिक्स ना हो। तो दोस्तों, इसमें 8 या 10 पेज लेंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 पेज ही लेना, नहीं तो दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ मशीन प्रॉब्लम आ जाएगी या ज़्यादा जोर लगेगा इसको। ज़्यादा पेज लेंगे तो इसमें ज़्यादा जोर आएगा, इसमें तो इससे ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा और एकदम व्यवस्थित अपनी बेंडिंग हो जाएगी। तो 8 या 10 पेज का ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से बेंडिंग करते जाओ और इसको उस तरफ जहाँ पे साइड में पेज को रखते जाओ। जैसे ये पेज की हो गई, तो दोस्तों अपन ये ऊपर नीचे का हिस्सा लगाएं कवर। नीचे तो हमेशा डार्क का लगाना और ऊपर वाइट, जैसे अपन को अपन पेज लगाए तो ऊपर का हिस्सा पूरा एकदम बराबर दिखे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके भी आप दोस्तों बेंडिंग हो गई है और ये वाइट का हिस्सा है, तब ये ऊपर का ये अंदर का जो भी है ये एकदम ऊपर से एकदम एकदम व्यवस्थित दिखे कि अपना ये किस चीज़ की बुक है, ये काहे की। तो और दोस्तों, ये अपनी बेंडिंग तैयार हो गई है। अब इसमें रिंग डालेंगे अपन। ये रिंग देखो दोस्तों मेरे, ये इसमें रिंग अपन पहले कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस अनुसार करोगे, जैसे मेरे इसमें 38 छेद है तो अपन पहले इसको काटेंगे तो इसमें 2 एक्स्ट्रा 40 काट लो अपन आप, जिससे अपन को बेंडिंग करने में एकदम आसानी रहेगी। और इसको बेंडिंग करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो जिससे अपन यहाँ पे इसमें बेंडिंग करेंगे तो एकदम सही होगी। देखो, जैसे मैंने थोड़ा बहुत बढ़ा लिया है और मैंने 40 काटा, ये 38 छेद है पर मैंने एक्स्ट्रा काटे, दो एक्स्ट्रा काटना दोस्तों। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ बेंडिंग इसमें एकदम व्यवस्थित तरीके से करता हूँ। पर दोस्तों, बेंडिंग करो तो ये पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का इसमें से निकलता हुआ आना चाहिए, नहीं तो अपने ये पेज से फटने का चांस रहेगा इसमें से। तो दोस्तों, ऐसे बराबर करते रहो। यस, तो मैं कर रहा हूँ इसको, पर पीछे का ऐसे ध्यान रखना कि इसमें पीछे से एकदम व्यवस्थित चल रही है ना। बीच बीच में ऐसे देख लेना, कोई भी एक भी छूटना नहीं चाहिए पीछे का, नहीं तो ये पेज फटने का डर रहेगा। देखो दोस्तों, ये बेंडिंग हो गई है। मैंने एक्स्ट्रा काटा था थोड़ा रिंग, तो अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा काटेंगे तो एक्स्ट्रा रहेंगे तो इसमें निकलने के पेज निकलने की चांस नहीं रहेंगे। और लास्ट में इसे लॉक कर देना दोस्तों इसको, जिससे अपने ये रिंग अपन पड़े तो ये रिंग आगे पीछे ना हो। इस तरफ ऐसे लॉक कर देना, इसे एकदम बढ़िया रहेगा दोस्तों। ये मैंने लॉक कर दिया इसको, अब ये बेंडिंग बुक टाइप में एकदम बढ़िया तैयार हो गई है दोस्तों। ये एकदम बढ़िया अपने बुक जैसे तैयार हो। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।